नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें ऐसी बढ़ गई हैं कि उनके बारे में ये आप कह सकते हैं कि ना माया मिली ना राम। टीएमसी की नीतियों ने हिंदू वोट बैंक को तो पहले से ही नाराज कर रखा है, लेकिन अब तक जिस मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के सहारे दीदी बंगाल की सत्ता पर राज कर रही थी, उसने भी दीदी के खिलाफ चुनावी संग्राम छेड़ दिया। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता को सत्ता से उखाड़ फेंकने की सौगंध खाई है। आज ममता के खिलाफ फुरफुरा के शंखनाद वाले एजेंडे पर आज बड़ी बहस होगी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी को खुली चुनौती देने वाले पीरजादा क्या खुद इस हैसियत में है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने बलबूते सियासी दिशा दे पाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर सबका अपना अपना दावा होता है। जिस भीड़ में ताल ठोंकने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के कई बड़े मुस्लिम चेहरे शामिल हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर दावा ठोंक रही है। ऐसे में अब तक मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर सत्ता की धमक जमाती आई दीदी के सामने मुश्किल चौतरफा है। क्या ममता डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी? मुस्लिम वोट बैंक के बिना दीदी बचा पाएंगी अपना किला? क्या दीदी का मुस्लिम वोट ही करेगा सबसे बड़ी चोट? इसी मुद्दे पर बहस, पहले रिपोर्ट। दीदी का मुस्लिम वोट ही करेगा चोट। टीएमसी की सत्ता उखाड़ने का पीर ज्यादा का ऐलान, जिसके वोट ने ममता दीदी के लिए बंगाल की सत्ता के दरवाजे खोले, जो अब तक देता रहा दीदी की सियासत को आकार, अब खिसक गया है दीदी का वही सियासी मुस्लिम आधार। पिछले कई चुनाव में हुगली के जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह ने टीएमसी पर ममता बरसाई, अब उसी दरगाह के पीरजादा ने ममता बनर्जी के खिलाफ तलवार खींच लिए और बंगाल की सत्ता से उन्हें हर कीमत पर उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। ভালোবাসার মানুষকে বলবো যেখানে যেখানে বাম শরীক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলো স্বাধীন আমরা করব। আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की रैली में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बंगाल की रक्षा के लिए खून तक का हवाला देकर ममता के सिंहासन को झकझोर दिया है। असर ऐसा कि ममता के सिपहसालार अब फुरफुरा शरीफ की सियासत में सिंधमारी तक पर उतर आए। खबर है कि अब फुरफुरा के दर पर ममता जल्द ही दस्तक देंगी और यहां के एक और नेता तोहा सिद्दीकी से मुलाकात करेंगे, जिसने अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी का एजेंट तक बता डाला। वो तो बीजेपी का एजेंट बन गया, जो बात कर रहे का कल ब्रिगेड में जो बात बोला वो तो बीजेपी का एजेंट बन गया। बीजेपी का आदमी आए हैं, यहाँ आए सीपीएम का आदमी आए, कांग्रेस का आदमी आए, और टीएमसी आदमी पॉलिश करने जाए। टीएमसी का आदमी आएगा तो पॉलिश करने के लिए आएगा, जो आएगा उसको वेलकम हम देंगे, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। जाहिर है बंगाल में ममता से नाराज मुस्लिम वोट बैंक अब दीदी की सत्ता उखाड़ने पर आमादा है और ममता फुरफुरा के चक्कर लगाने को मजबूर। दीदी की दुविधा बढ़ गई है। जय श्री राम के नारों से चिढ़ने वाली ममता अब मुस्लिम वोट बैंक भी खिसकने से दो तरफा मुश्किलों में घिर गई हैं। उनकी हालत ना तो माया मिली न राम वाली हो गई है। सवाल है, क्या ममता डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी? मुस्लिम वोट बैंक के बिना दीदी बचा पाएंगी अपना किला? क्या दीदी का मुस्लिम वोट ही अब करेगा चोट? ममता के खिलाफ फुरफुरा का शंखनाद। तो ममता के खिलाफ फुरफुरा का शंखनाद, इसी पर शंखनाद होगा। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। सौरभ सिग्जा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिद्धू बनर्जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डिबेट का हिस्सा है, शाकिर अली टीएमसी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए। शाकिर अली, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता की सत्ता उखाड़ने की सौगंध खा चुके हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ममता दीदी को उखाड़ के ही दम लेंगे। कभी राइट हैंड कहे जाते थे, लेकिन आज वो मुस्लिम वोट बैंक जो ममता दीदी का कभी रहा, वो अब्बास सिद्दीकी दावा ठोक रहे हैं कि ये अब उनका नहीं होगा। लक्ष्मी देखिए, सबसे पहला बात आज जो निकल के आया है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम दो साथी ऐसे मिले
वाम और कांग्रेस जो मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं और रिलीजियस पार्टी को लेकर चलना चाहते हैं, कांग्रेस और वाम फ्रंट, ये सबसे बड़ी बात निकल के आई है। और ये लोग दोनों बीजेपी के तरह ही, जैसे बीजे राम के नाम पर वोट मांगती है, वैसे ही वाम और कांग्रेस भी अब्बास सिद्दीकी के साथ माइनॉरिटी और मुसलमान वोटों का खेल खेलना चाहते हैं। देखिए, बंगाल में जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो इसका ईंधन पीछे से कहीं से आ रहा है, वो सामने आपको निकल के कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, चंद दिनों के बाद। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंगाल में किसी भी तरह का विभाजन वोट, चाहे वो बंगाली वोट हो, मुसलमान वोट हो, हिंदू वोट हो, क्रिश्चियन वोट हो, किसी में किसी तरह का कोई विभाजन होने वाला नहीं है। सब कोई बंगाल को इकट्ठा होकर वोट देंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं ना कि सर, ये तो आप भी जानते हैं कि फुरफुरा शरीफ का कितना असर होता है, ये तो आप भी जानते हैं ना उस इलाके में कितना असर होता है, पश्चिम बंगाल की सियासत में कितना असर होता है, कितनी सीटों पर असर होता है। देखिए, वहां गुनी तोहा सिद्दीकी है और पीर ज्यादा है। देखिए, वहां लोग भक्त जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन ये बताइए कि हम अगर पीर ज्यादा के पास जाएंगे तो पीर ज्यादा को कहेंगे कि हमको स्वर्ग जन्नत पहुंचाने के रास्ता बताएं, ना कि बोलेंगे कि आप हमको विधानसभा जाने का रास्ता बताएं। अगर ये लोग मौलवी और पंडित अगर ये राजनीति करने लगेंगे तो आप बताइए कि ये राजनीतिक पार्टियां को अपना अपना जो है पार्टी ऑफिस समाप्त कर लेना चाहिए। अब जो है राम के नाम पर वोट मांगेंगे तो राम मंदिर में जाएंगे, और मुसलमान के नाम पर वोट मांगेंगे तो पूरा जाएंगे। हाँ। तो फिर राजनीतिक पार्टियां रहने का कोई मतलब तो नहीं सिद्दीकी के आगे नतमस्तक होने क्यों जा रही है ममता बनर्जी? देखिए बताइए ना, आप ही शुरुआत कर रहे हैं इस बात की। तोहा सिद्दीकी का हवाला तो आपने दिया सर, आगे बढ़ो, उससे पहले जवाब दीजिए इस बात का। तोहा सिद्दीकी राजनीतिक में नहीं है, पीर ज्यादा है राजनीतिक में नहीं है। हाँ। और वो कभी भी राजनीतिक में नहीं रहे हैं। और तोहा सिद्दीकी आपके ही चैनल पर एक बार तोहा सिद्दीकी आए थे हमारे साथ और उन्होंने साफ कहा था कि हम किसी राजनीतिक में नहीं है, लेकिन बंगाल का जो भी भला चाहेगा उसके लिए हम जो है दुआ आशीर्वाद करेंगे। सौरभ सिंगर जी बी टीम बता रहे हैं, आपकी कह रहे हैं कि बी टीम बन चुके हैं अब्बास सिद्दीकी, जहां मुसलमानों के वोट बैंक की जरूरत होती है वहां बी टीम बनकर उतार देते हैं आप, पहले ओवैसी के लिए, अब अब्बास सिद्दीकी के लिए भी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम को टीएमसी शुरू से ही वोट बैंक के नाते यूज करते हैं। हम तो कभी वोट बैंक तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि वोट बैंक क्यों बोलेंगे? हम विकास के बात करेंगे, हम सुशासन के बात करेंगे, हम प्रशासन के बात करेंगे। अब वोट बैंक के लिए सीएम ये तक बोलते थे कि जो गाय दूध दे रहा है उसका लाभ, ये बोल के उसने तो असल में मुस्लिम समाज के लिए भी बंगाल में कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए क्या है, आज वो देख रहा है कि ऐसे जैसे आम जन समर्थन उसके पीछे से हट रहा है, वैसे मुस्लिम लोग भी तो बंगाल के बाहर नहीं है, बंगाल के रहने वाले हर मुस्लिम बंगाली है, तो वो भी आज उसके खिलाफ जब आवाज उठा रहा है तब इसमें वो बोल रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, बी टीम है, सी टीम है। अरे भैया, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये सब आपका, हम तो बोलते हैं हम वोट मांगने जाएंगे विकास के मुद्दे में, हम वोट मांगने जाएंगे सुशासन के मुद्दे में, हम मुसलमान को कभी वोट बैंक मानते ही नहीं है, क्यों वोट बैंक? सबका साथ सबका विकास का नारा जब आप देते हैं तो जाहिर है कि मुसलमानों के वोट बैंक पर भी आप अपना अपना तो कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। मैं आऊंगी राहुल लाल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की भी एक बड़ी अब तक जो मिलजुल के सरकार आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने गठबंधन भी बना लिया, लेकिन अब्बास सिद्दीकी तो सिर्फ लेफ्ट को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नहीं दे रहे। ये कैसा गठबंधन है? अधीर रंजन उठ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम लेफ्ट को समर्थन दे रहे हैं, हम कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन जिस दावा करते हैं, जिस भीड़ का, वो अब्बास सिद्दीकी की बुलाई हुई होती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो गठबंधन के दर पहले सीटों को लेकर कुछ चीजें चलती हैं, वो सामान्य रूप से वो चीजें होती हैं। लेकिन ये जो सारा मामला जो कहा जा रहा है ना, ये जो इतनी भीड़ कल जो उमड़ी है वहां पे, तीनों अब उसमें ये कहना के लिए उसमें कांग्रेस की भीड़ नहीं थी, उसमें तो अब्बास बिल्कुल थे, तो वहां पे तीनों लोगों का था, तीनों लोगों की भीड़ थी। जो बीजेपी है उसकी तो आंखें फटी रह गई है कि भाई ये इतनी सारी भीड़ कहां से आ गई। जो मुकाबला वो द्विपक्षीय बनाना चाह रहे थे, ये मुकाबला त्रिपक्षीय, और ये सबसे बड़े खतरे की घंटी अगर किसी के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या कह रही थी कि नहीं, हमें तो हम वोट पॉलिटिक्स नहीं करते, वोट पॉलिटिक्स नहीं करते, सबका साथ सबका विकास में मुस्लिम भी शामिल है, लेकिन पूरा देश जानता है
कि इस पूरे प्रकरण में सबका साथ सबका विकास में भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिमों को शामिल नहीं करती है। लेकिन राहुल लाल सुनिए एक सवाल और लीजिए मेरा, कि क्या 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 पीरजादा इतनी हैसियत रखते हैं कि वो जिस दिशा में चाहे मुस्लिम वोटर को बदल सकते हैं, जिसकी जिनके कहने पर आप इतना उछल रही है लेफ्ट पार्टी, लग रहा है कि नहीं पूरा 30% हमारे हिस्से में आ जाएगा, क्या इतनी हैसियत अब्बास की है? देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन के लिए मैदान में जाती है तो इलेक्शन के 100 अलग अलग कारक होते हैं, उसमें से एक कारक इसको भी माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि यहाँ पे खुशी की बात यह है कि जिस तरह से माना जा रहा था कि वहां पे तृणमूल के अतिरिक्त बाकी विपक्ष में कोई दम नहीं है और मामला द्विपक्षी होगा, वो पूरा मामला बदल चुका है, त्रिपक्षी मुकाबला है। यही कारण है कि देखिए विशाल जी के चेहरे पे देखिए चिंता की लकीरें दिख रही है। विशाल जी इसलिए चिंता कर रहे हैं कि वो लेफ्ट पार्टी जो 35 साल तक सत्ता में रही वो अब ढूंढ रही है कि कोई तो आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए, अब्बास जी भी आ जाए, असुद्दीन ओवैसी भी आ जाए, तो हो सकता है कि उनकी लकीरें इस बात की भी हो। मैं जानकारी ले लेती हूँ सर। विशाल मिश्रा जी देखिए, मैं अपने मित्र राहुल जी से कहना चाहूंगा कि लकीरें हमारी चिंता की नहीं है, लकीरें हमारी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ऐसी क्या कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि जिस सीपीआई ने उन्हीं के नेता को, उन्हीं के पार्टी के बहुत बड़े नेता को मारा, आज ये उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये अपना जनाधार देखें और साथ ही साथ जिसके साथ ये अपना गठबंधन कर रहे हैं लेफ्ट के साथ, उसका जनाधार देखें, दहाई में भी नहीं है। और रही बात तीसरी, विशाल जी आप सुन लीजिए, मैं सुना बहुत ध्यान से। देखिए आप अभी आप कह रहे हैं जन समर्थन नहीं था, तर्कों की बात, कल रैली में आपको जन समर्थन दिखा कि नहीं दिखा? झंडे कितने थे सर? और यहाँ किसका था वो पहले ये तय करिए राहुल लाल, वो कांग्रेस का था, लेफ्ट का था या अब्बास का था? तीनों के थे। वो किसका था? तीनों लोगों का था, तीनों का मिलके था वहाँ पे, तीनों। आप अब्बास को क्यों मान रहे भाई? अधीर रंजन तो उठ जाते हैं ना, प्यार भी नफरत भी, ये कैसा सहयोग है सर? ये कैसे चलेगा भाई? एक चीज बताइए, कुछ नाराजगी होती, तमाम तरह की चीजें होती है, भारतीय जनता पार्टी वाला सिस्टम नहीं। अरे अब्बास सिद्दीकी ने साफ कहा है कि वहां पर मैं वोटर वहां अपने अपने प्रत्याशी उतारूंगा जहां कांग्रेस पार्टी उतारेगी, क्योंकि मेरा गठबंधन कांग्रेस से नहीं है। ये पूरा मामला इसलिए आ रहा है कि सीटों के बंटवारे के लिए कुछ चीजें चल रही है और ये हम जानते हैं गठबंधन राजनीति में बहुत सामान्य चीजें। अरे राहुल लाल जी साफ साफ ये स्वीकार करिए ना, आप भी स्वीकार करिए, टीएमसी भी स्वीकार करिए कि आपके लिए मुस्लिम वोट बैंक है। आप भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन सी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजना है जिसमें मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिल रहा है? उज्ज्वला योजना है तो क्या वो किसी एक विशेष जाति के लिए है? बताइए, पीएम किसान सम्मान योजना है तो वो क्या किसी एक जाति के लिए है? पीएम किसान आवास योजना है तो क्या वो किसी एक जाति के लिए है? जनधन योजना है तो क्या वो किसी जाति के लिए है? अरे माननीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को आपके कार्यकाल से 40% ज्यादा बजट दिया गया है। सुनिए, जनता पहचान चुकी है, जनता पहचान चुकी है आपके लिए मुस्लिम है, वोट बैंक है। ये तुष्टिकरण की राजनीति जो आप करते आए हैं, बड़ी खबर आ रही है सिद्धू बनर्जी, मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर इस बार बंगाल चुनाव को लेकर अधीर रंजन ने बड़ा बयान दिया है, बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला है, ये अधीर रंजन कह रहे हैं। हिंदुस्तान से बात करते हुए कहा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने, बंगाल में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि जो कहा जा रहा था कि सिर्फ फाइट बीजेपी और टीएमसी की है, अब खुद को तीसरे नंबर पर लाने की भी लड़ाई सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस पार्टी अब लड़ रही है। क्या कुछ कहा है पहले सुन लीजिए। अधीरदा, कल आपने रैली में कहा कि ये दोकोणीय मुकाबला नहीं है, तमाम लोग कह रहे हैं हम तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाला है, आखिर क्या आधार है इसका? इसका आधार ये है, 3-4 महीने से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जिस ढंग से नए सिरे से पूरा ताकत लेकर उभर रहे हैं, आज ये बोली बदल गई। ये जो नैरेटिव पहले दिया जाता था वो नैरेटिव बदल गई, और इसलिए मैं कहता हूँ ये त्रिकोणीय होगी, क्योंकि कल ब्रिगेड में जो जनसैलाब आप खुद देखे हैं और सारे हिंदुस्तान देखे हैं, इसके बाद किसी को इसमें कोई शक नहीं है कि ये दो कनिया नहीं, ये त्रिकोणिया आपका ट्रायंगुलर ये चुनाव होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कल कहा कि ये ट्रायंगुलर फाइट होते जा रहे हैं। कहाँ पा रहे हैं अपनी पार्टी को और अलायंस को किस, जैसे उन लोग सीटों में बात हो रही है तो जो आपको ओपिनियन पोल भी तमाम भी आ रहा है उसमें तमाम दिख रहा है कि भाई अभी भी टीएमसी को बढ़त दिख रहा है, बीजेपी नंबर 2 पे है, आप लोग नंबर 3 पे भी बहुत दूर है, तो आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? आम लोगों की जो राय होते हैं ना,
किसी का फिक्स डिपॉजिट नहीं है, किसी का पेटेंटेड चीज नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है ये कह रही है कांग्रेस पार्टी, यानी साफ तौर पर ये स्वीकार तो कर लिया है कि फाइट में तीसरे नंबर पर वो भी तीन पार्टियों को मिलाकर त्रिकोणीय मुकाबला। सर बोलने तो दीजिए, रुक जाइए, यहाँ बैठे हुए हैं सिद्धू बनर्जी जी। मानना कि मैंने आपका गठबंधन है, आप सहयोगी है, लेकिन बनर्जी साहब को मौका तो दीजिए, इतना भी छोटा मत कर दीजिए उनको। बनर्जी साहब, ये कैसा गठबंधन चल रहा है सर आपका? सिद्दीकी साहब जब आते हैं, अब्बास सिद्दीकी बोलने, अधीर रंजन जी उठ जाते हैं, प्यार भी है इनकार भी है, वो कहते हैं कि मेरा कांग्रेस से नहीं लेफ्ट से समर्थन है, लेफ्ट से गठबंधन है। झंडे कल जो जिस भीड़ का जिक्र कर रही है कांग्रेस पार्टी, वहां पर कितने झंडे कांग्रेस पार्टी के थे और कितने अब्बास सिद्दीकी और लेफ्ट के थे, जानकारी है सर इस बात की? तो मैं शुरू करूं, अभी इजाजत है, बोले सर। सबसे पहली बात है, मेरा नाम सिद्धो बैनर्जी है, सिद्धो बैनर्जी जी, तो मैं हिंदी में लिख के भेज दूं, ठीक है सर। बात दूसरी है, यह मुकाबला मतलब कांग्रेस अपने अपने आप को तीसरे स्थान में बोल रहे हैं और ये आप बोल रहे हैं, या तो हिंदी समझ नहीं है या जानबूझ के गलत अर्थ कर रहे हैं। ये ट्रायंगुलर है, कौन तीसरे कहां पे रहेंगे वो तो चुनाव के बाद सेकंड में दिखाई देगा, लेकिन इस हालत में हर दिन 25 रुपया करके गैस की कीमत बढ़ रही है और एक महीने के अंदर 125 रुपया बढ़ चुकी है, और जहां पे हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर मोहवा इसी मुद्दे पर जा रहे हैं आप, कि मोदी फिर अब्बास जी की क्या जरूरत पड़ गई, लेफ्ट की क्या जरूरत पड़ गई? अब्बास के बारे में हमारे बनर्जी साहब, जब गैस के मुद्दे पर जाना ही है, महंगाई के मुद्दे पर जाना ही है, तो इन सबको क्यों बटोर रहे हैं, इन सबका सहारा क्यों ले रहे हैं? आप जवाब नहीं ले रही है, आप जवाब तो देने दीजिए। हमारे प्रश ग्रुप के अध्यक्ष जी ने कह दिया है, हमारे साथ जो भी गठबंधन है वो लेफ्ट की है, अब्बास या यो जाहिर अब्बास हो, ये लेफ्ट की प्रॉब्लम है। और जहां तक ये हमारे राहुल लाल जी है, मुझे लगता नहीं है ये ऑफिशियल लेफ्ट के नुमाइंदे है या नहीं, लेकिन आपको बता दू, ये भी अधीर रंजन चौधरी ने कल कह दिया है कि कल का ब्रिगेड रैली ऑर्गेनाइज किया था लेफ्ट ने, लेफ्ट ने हमें नौता दिया था, हम हमारे लोग हमारे कार्यकर्ता नेतागण सांसदगण विधायकगण वहाँ पे गए थे। राहुल लाल जी सुन लिया, मैं एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, राहुल लाल जी से जवाब देते हैं, इन्हीं से लेते हूँ मैं कुछ बोलूंगी तो आप कहेंगे आपस में भिड़वा रहे हैं, आप यही जवाब देंगे आपको? भिड़ने वाली कोई बात ही नहीं, बताइए नीतिक विश्लेषक है, बताइए, मेरा परिचय नहीं पता है तो आप देख लीजिए, बताइए सर, आप ही बताइए, देखिए नहीं मैं आप ही कह रहे थे ना, आप ही कह रहे थे ना, सबसे वो तो कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है। देखिए अभी जब गठबंधन स्पष्टता पूरे सीट शेयरिंग नहीं हुई, तमाम हाँ। तरह की चीजें सामने में नहीं आई हैं अभी। अब ये बताइए कोई अगर ये चीजें मांगेगा कि वो बिल्कुल जैसे कांग्रेस पार्टी, तो आपको पता होगा ना कि बिहार में भी क्या कहा कि ओवैसी आ गए इसलिए हम आ गए, बिहार में भी यही कहा, अब कहेंगे कि अब्बास जी आ गए थे इसलिए। सवाल ये कि क्लियर तो करिए कि वो कहां खड़े, उनका स्टैंड क्या है, उनकी अपनी तस्वीर क्या है, उनके पास क्या है, किनके पास, कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के पास कैसे कुछ नहीं रहेगा, कांग्रेस देश की पुरानी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का पूरा आधार पूरे देश भर में है, कांग्रेस की देखिए अरे पिछले चुनाव में बता तो दीजिए लोकसभा में कितने परसेंट वोट मिले थे कांग्रेस को, दहाई का आंकड़ा भी नहीं जज कर पाते और जनाधार की बात करते हैं। अरे मान्यवर ये बदल चुका है, ये किसी सदी का भारत है, बंगाल में पूर्ण परिवर्तन होगा, आपका सूबा तो साफ होगा ही होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त, उर्फुरा शरीफ का दौरा कर सकती है ममता बनर्जी, 6 से 8 फरवरी के बीच दौरा कर सकती है, तोहा सिद्दीकी से मिलने के लिए पहुंच रही है, तोड़ निकालने की कोशिश हो रही है, पीरजादा अब्बास ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, खुलेआम ये कह दिया है कुछ भी हो जाए, खून तक की नौबत आ जाए तो भी देंगे, लेकिन ममता को गद्दी से हटा कर रहेंगे, बड़ा छलावा किया है ममता बनर्जी ने। ये अब्बास सिद्दीकी कह रहे हैं, वो अब्बास सिद्दीकी जो ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे, ममता बनर्जी चाहे सिंगूर आंदोलन हो चाहे नंदीग्राम, लगातार उनके साथ रहे। श्वेता इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है, श्वेता आप तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है, तोहा सिद्दीकी से मिलने जाएंगी ममता बनर्जी, क्या जानकारी और क्या समीकरण इसके? लक्ष्मी अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे कि अब्बास सिद्दीकी अब बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं और ये लेफ्ट के साथ अब्बास सिद्दीकी गए हैं, हालांकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का गठबंधन है, लेकिन इसमें भी अभी तकरार देखने को मिल रही है। अब देखिए टीएमसी जो है वो फूक फूक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि ममता के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिमों को लेकर राजनीति करती है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती है ममता बनर्जी, तो यहां पर अब्बास सिद्दीकी की वजह से वो वोट बैंक भी छिटक सकता है, क्योंकि फुरफुरा शरीफ का इतिहास भी लोगों को पता है
बंगाल में, और फुरफुरा शरीफ का कितना दबदबा है वो भी पता है। इसीलिए काट के तौर पर तोहा सिद्दीकी, जो कि पहले से ही ममता बनर्जी के समर्थक रहे हैं, वो क्योंकि उनका कद कहीं ना कहीं अब्बास सिद्दीकी से थोड़ा ऊपर, वजह यह है क्योंकि वो चाचा है और ये भतीजे हैं, तो सब अब्बास को थोड़े अगर कह ले, वो तोहा हमेशा कहते हैं कि वो मेरा बच्चा है, वो बच्चा है, वो गलती कर रहा है, ये तोहा के स्टेटमेंट है। इसलिए ये तोड़ निकालने की कोशिश कि तोहा वो माहौल में क्रिएट कर पाए ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि 27-30% आबादी मुस्लिमों की है, और मुस्लिमों की आबादी जो पश्चिम बंगाल में है वो ज्यादातर अनुयायी हैं फुरफुरा शरीफ के। अब फुरफुरा शरीफ फैक्टर अगर काम करता है, और अब्बास जिस तरीके से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हटाकर रहेंगे, और यहां अगर तोहा को नहीं साधा गया तो मुस्लिमों से भी, इस वोट बैंक से भी ममता बनर्जी टीएमसी हाथ छोड़ देगी। वजह यही है कि कहीं ना कहीं तोहा के पास जाकर एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि तोहा सिद्दीकी वो माहौल फुरफुरा शरीफ में क्रिएट कर सके, जो माहौल अब्बास सिद्दीकी की वजह से ममता के खिलाफ। श्वेता में लौट गई, आपके पास एक बड़ी खबर। कोलकाता में तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर, देखिए, और समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। तेजस्वी से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, मैं लड़ रही हूँ तो समझो तेजस्वी लड़ रहा है। बंगाल में हारेगी बीजेपी, बिहार में सरकार जाएगी, तेजस्वी ने भी ममता का साथ देने से ऐलान कर दिया है। हमारी पूरी ताकत ममता के साथ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, हमारी पूरी ताकत ममता के साथ है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं लड़ रही हूं तो समझिए तेजस्वी यादव लड़ रहा है। ये जो गठबंधन की सियासत है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ लेफ्ट और कांग्रेस, लेफ्ट और अब्बास की गठबंधन, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। जो हमारी ताकत बंगाल में है, या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहां भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहेंगे। जो लोग चाहते हैं कम्युनल फोर्सेस जो सत्ता में आने का है, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि बीजेपी को यहाँ बढ़ने से रोके। ये मूल्यों की लड़ाई है, मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। हमारा जो भी ताकत है ममता जी को जिताने में लगाएंगे। हम लड़ रहे तो तेजस्वी भाई लड़ रहे, अगर तेजस्वी लड़ रहे तो हम लड़ रहे। ये मैसेज बीजेपी को जाना चाहिए कि बिहार में आप जो किया है फोर्सफुली, बिहार में भी आपको सरकार नहीं टिकेगा, और बंगाल में भी आने वाला दिन में आपका जो मीडिया फोबिया जो बना रहा है कि आप सीट मिलेगा वो सीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी के लिए कि आपका ना है सभ्यता, ना है संस्कृति, ना है भाषा के ऊपर चर्चा, ना है किसी के ऊपर दर्द। श्वेता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ी है, बनर्जी साहब आपके पास आऊंगे, लेकिन श्वेता कितना स्पेस वहां पर तेजस्वी यादव देख रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, कितना फायदा ममता बनर्जी को होगा इस गठबंधन से? लक्ष्मी अगर कह दे तो ममता बनर्जी को फायदा कम, लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव जो कि अभी तक लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाने को तैयार थे, उस गठबंधन में, महागठबंधन में जाने की बात थी, रविवार को ब्रिगेड मैदान में वो पहुंचने वाले थे, लेकिन वही तेजस्वी यादव जो है वो यू टर्न ले लेते हैं। आपके पास एक बड़ी खबर, चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ अकाली दल का हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, कैप्टन अमरिंदर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अकाली नेताओं का आरोप है कि अमरिंदर सरकार केंद्र के साथ मिलकर किसानों को ठग रही है। यह देखिए, अकाली दल ये आरोप लगा रहा है, वो अकाली दल जो कभी एनडीए का घटक दल रहा, वो अब ये कह रहा है कि पंजाब की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों को छल रही है, किसानों को ठगा जा रहा है। यह देखिए तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पंजाब से तस्वीरें सामने आ रही हैं। विधानसभा के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन चल रहा है, अंदर भी हंगामा हुआ, बाहर की तस्वीरें आपके सामने। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े हैं, प्रदर्शनकारी, लाठी चार्ज उन पर हुआ है, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, अकाली दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, हल्ला बोल सरकार के खिलाफ, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आई है, और ये आरोप लगाया है अकाली दल ने अमरिंदर सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन, और आरोप ये लगा दिया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर
ये तस्वीरें पंजाब से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अकाली दल पर किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां की पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है, खदेड़ा गया है वहां से। अमरिंदर के खिलाफ यह हल्ला बोलता, सरकार की नीतियों के खिलाफ यह हल्ला बोलता। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अकाली दल का यह हल्ला बोल, किसानों के मुद्दे पर यह हल्ला बोल किया है प्रदेश सरकार के खिलाफ, अमरिंदर सरकार के खिलाफ, और साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि यह सरकार केंद्र सरकार से मिलकर किसानों को ठग रही है। किसानों के मुद्दे पर कोई अलग स्टैंड इस सरकार का नहीं है, किसानों का हित यह सरकार नहीं देख रही है। तो हर तरफ सियासी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की हो रही है तो पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात की है, उनको समर्थन दे दिया है। लेकिन समझिएगा, थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक के बाद समझेंगे कि आखिर बिहार में कांग्रेस के साथ थी जो पार्टी, वो अब कांग्रेस के अगेंस्ट टीएमसी की हाथ मिलाने को मजबूर क्यों। शंखनाद आप देख रहे हैं, शंखनाद की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। बनर्जी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं, सीधा सवाल मेरा ये कि वही तेजस्वी यादव जो बिहार में आपके साथ जाकर नैया डूब गई, तो अब आपसे हाथ छटका लिए और साफ तौर पर टीएमसी के साथ जा रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? जो जो साथ जाता है पछताता है, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो और चाहे बिहार में तेजस्वी यादव। आप देखिए, मतलब अभी आप पंजाब के न्यूज दिखा रहे थे, वहां पे अकाली दल बीजेपी के बोझ धोते धोते और नरेंद्र मोदी। अरे सर, आप मुद्दे पर आइए ना, वो तो मैंने दिखा दिया, आप इस पर आइए। साफ हो गए, बिहार में जो हुआ है, आरजेडी एक स्वतंत्र पार्टी है, वो अपने डिसीजन लेने के लिए आजाद है। अब आरएसएस बीजेपी थोड़ी है कि अपने जो गठबंधन के साथ ही उनके ऊपर अपना डिसीजन इतना थोप देंगे कि हमें छोड़ के चले जाए। वो अगर चाहते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए, वो ममता जी की हाथ पकड़ना चाहते हैं, जरूर जानते हैं ना सर, कांग्रेस की ताकत नहीं है, चलिए उसको हटाने के लिए भी है तो मान लिया ना तेजस्वी ने कि कांग्रेस की ताकत नहीं है भाजपा के खिलाफ लड़ने की, इसीलिए टीएमसी को बड़ा बताया ना। कैसे सड़क पे आ गया देख लीजिए, कांग्रेस के सामने भाजपा के वोट धोते धोते कैसे अकाली सड़क पे आ गया। पंजाब में साफ, हम सारे उत्तर भारत से भाजपा साफ, अब हो जाएगा बंगाल की बारी, यहाँ पे भी साफ हो जाएंगे, अब चिंता ना करें। अभी सौरभ का फोटो दिखा रहे थे, वोट बैंक का पॉलिटिक्स वोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कल ठीक है बनर्जी साहब, मैं लौट रही हूँ। सौरभ जी, आपके लिए तो खुशी की बात होगी, चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी, चूंकि जितना मुस्लिम वोट बैंक के लिए जितना अलग अलग जाएंगे आपको फायदा ही होगा, चाहे वो अब्बास हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, बटेगा उसमें फायदा आपका ही होगा। लक्ष्मी जी, बंगाली में कहावत है जिसका हिंदी माने है चोर और चोर मौसेरा भाई। उधर लालू जी के जो अपशासन थे उसके लिए कई पीढ़ी बंगाल में आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो और उसका बेटा को ले आके ममता बनर्जी सोच रहे हैं कि यहाँ हिंदी भाषियों का वोट में अपना पकड़ जमाएगा। अरे वो लोग तो कतई नहीं देगा, वो लोग हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। दूसरी बात है, जहाँ शुद्धोदय अभी बोल रहे थे, तो कांग्रेस का हाथ जिसने पकड़ा अपने अभी बोला उसका क्या हाल हुआ है, और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों बंगाल में फाइट फॉर एग्जिस्टेंस का लड़ाई लड़ रहा है, कि वो नोटा से लड़ेंगे कि किससे लड़ेंगे वो पहले तैयार कर ले। नहीं तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी मेरा विरोधी दल में रहे, लेकिन आप ये आपका ये आदेश नहीं बोला था अधीर था जैसे बंगाल फाइटर के नाम से जानते थे, उसको एक काल का लड़का ऐसा अपमान कर सकता है और शुद्ध में बैठ के ये सुन रहा है। अरे आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ये इतना बुरा हाल आज कांग्रेस और लेफ्ट का यहाँ पे हो गया है। ठीक है, आप चैनल में मेरे संग लड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि इसका ये अधीरता का जो अपमान कल किया गया है इसके खिलाफ आप लोगों को बोलना चाहिए। ठीक है सर, मेरे सवाल का आंसर नहीं आया, मैं आ रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ। शाकिर अली साहब, ममता बनर्जी पहुंच रही है तोहा सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए, सवाल ये कि ये क्या छटपटाहट है? फुरफुरा शरीफ मुस्लिम वोट बैंक में कितना प्रभाव रखता है ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। अब्बास सिद्दीकी, जब आप दीदी के खिलाफ खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, तो ये छटपटाहट है कि अब तोहा सिद्दीकी को साधा जाए? नहीं 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 लक्ष्मी जी, ऐसा मैंने आपको फिर पहले भी बता दिया कि तोहा सिद्दीकी साहब एक फिर ज्यादा है और वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो कांग्रेस ही विचारधारा के लोग हैं, और कांग्रेस सेंट्रल की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, और जब जब
मुकुल राय भी वहां पर गए हैं, बॉबी हकीम भी गए हैं, दीदी भी जाएंगी और आपके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग उनके पास में गए हैं, सुहास सिद्दीकी के पास में, लेकिन वो जो है फिर ज्यादा है, सब लोग उनके पास जाते हैं। लेकिन शाकिर अली साहब, आपको मालूम है कि दो साल के अभी तक जब तक अनाउंस नहीं कर दिया था ना, तब तक अब्बास सिद्दीकी भी आपके लिए पीरजादा ही थे, उनको भी आप नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति ही कहते थे, लेकिन कितना फायदा पहुंचाया ये आपको खुद पता होगा, सत्ता तक पहुंचाने में उनकी क्या भूमिका रही है आपको और दीदी को खुद पता होगा। लक्ष्मी जी, आप कभी भी कोई वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकते हैं जहां पर अब्बास सिद्दीकी बोला हो कि ममता बनर्जी को वोट दो, ठीक है? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, भूल गए क्या नंदीग्राम आंदोलन, सिंगू हिंदू आंदोलन भूल गए क्या? वो आंदोलन, वो लक्ष्मी जी सुनिए, आप भूल गए क्या साहब? नहीं, यही वजह है अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी कि आप लोग मौका परस्त होते भूल जाते हैं, आप वही वो आरोप लगा रहे हैं कि जितनी मेहनत की उसका 1% मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी ने नहीं किया। जवाब दीजिए लक्ष्मी जी, जब नंदीग्राम का मामला, जब मुसलमानों के गांव से जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त में फिर ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन मैं फिर आता हूँ कि आज तेजस्वी यादव जी आज बैठे हैं नबन्नों में, देखिए उन्होंने एक बंगाल को मैसेज दे के गया है। विशाल जी नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन बावजूद इसके आप समझ रहे हैं छटपटाहट कितनी है। मानवर टीएमसी के प्रवक्ता जी, आप ये खुले दिल से क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण को साधने की कोशिश है? स्वीकार कर लीजिए। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो ये बात सही है, चोर चोर मौसेरे भाई, उनको अपना बिहार में वंशवाद को स्थापित करना था और यहाँ पर ममता दीदी के वंशवाद की सरकार को स्थापित करने में मदद करने आए हैं, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अरे भाई आप स्वीकार कर लीजिए ना कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण का एजेंडा नहीं है तो क्या है? अरे मान्यवर आपकी पार्टी ने 70% लोगों को दरकिनार कर दिया था, ये बताइए केवल मौलवी साहब लोगों को ही वजीफा क्यों दिया जाता था? इसका उत्तर है आपके पास, केवल मुस्लिम मौलवी को ही वजीफा क्यों दिया जाता था? मूर्ति विसर्जन के लिए, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा मनाने के लिए क्यों 30% लोगों का मुंह देखना पड़ता था? क्या आपने बंगाल में इसी परिवर्तन का नारा दिया था जब आपने माँ माटी और मानुष का कंसेप्ट दिया था? कहाँ गया वो मानवता, कहाँ गया? आज वो अमाटी है, अमानुष है, अमानवीय है। आपने कल वो चित्र देखा है, एक बूढ़ी माँ जिस व्यक्ति को देखकर श्रद्धा से सर झुक जाता हो, उनको आपके लोगों ने किस तरीके से मारा है, बयान आया है, क्या है ये रक्त रंजित हिंसा की राजनीति? तो बंगाल की परंपरा नहीं थी क्या? ये वही अरविंदो घोष, क्या ये वही स्वामी विवेकानंद? बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई दे रही है। श्वेता क्या बड़ी खबर आपके पास, जल्दी से बताइए। जी लक्ष्मी बता दो, इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर जो ये है कि बीजेपी से परेशान होकर टीएमसी ने अपनी रणनीति बदली है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति बदली है। इस बार खबर ये मिल रही है कि कई विधायकों का टिकट जो है वो कट सकता है, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा करना है और ममता बनर्जी ने अब ठान लिया है कि अब साफ छवि वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लगातार टीएमसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इसलिए शायद अब रणनीति बदलनी पड़ी है टीएमसी को, और टीएमसी अब ये कह रही है कि अब वो साफ छवि वाले लोगों को प्राथमिकता देगी, यानी कई विधायक टीएमसी के जो हैं उनका पत्ता साफ हो सकता है। युवाओं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें आज ममता बनर्जी के घर पर बैठक हो रही थी जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है, तो ये तमाम चीजें जो है उनको गौर किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। टीएमसी की बैठक में आखिरी फैसला जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर छोड़ा गया, यानी ममता बनर्जी डिसाइड करेंगी कि किसे टिकट देना है किसे नहीं। श्वेता रणनीति बदलने पर मजबूर हो गई है ममता बनर्जी, आरोप लगे हैं कि सौरभ सिंगर जी बिल्कुल ये मजबूरी है ममता बनर्जी की। ठीक है, मैं लौट रही हूँ श्वेता, आप हमारे साथ रहिए। सौरभ सिंगर जी, एक और 70% की उपेक्षा, दूसरी ओर बढ़ती बीजेपी का जनाधार, तीसरी ओर त्रिशंकु जो मुकाबला कांग्रेस लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी बता रहे हैं, क्या ये बड़ी चुनौतियां हैं इस बार ममता बनर्जी के आगे? क्या डैमेज कंट्रोल करने का कोई उनके पास ऐसा विकल्प होगा? क्या उसी के विकल्प पर तोहा सिद्दीकी को देख रही हैं वो? देखिए इट्स टू लेट, क्योंकि लोगों ने अपना मन बना लिया है और लोग इस ममता बनर्जी का अपना दल के ऊपर कंट्रोल खो दिया है। नहीं तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी अभी जो बात का जिक्र हो रहा था, एक 70 साल का बूढ़ी माँ उसको जो हैवान के तरह मार सकते हैं, तो इसमें
अरे 190 बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग मारे गए हैं, तब आपको नहीं दिख रहा था? कितने लोगों के खिलाफ आपने की, कितने लोगों के खिलाफ आपने चार्जशीट फाइल की है? कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है बताइए ना। एनसीआर जी का डाटा कहता है कि पॉलिटिकल मर्डर में पश्चिम बंगाल नंबर एक पर है। एनसीआर जी 2018 का डाटा कहता है। विशाल जी एक सेकंड रुकिए जरा। राहुल लाल, राहुल लाल, आप यहाँ टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं, लेफ्ट का समर्थन कर रहे हैं, या कांग्रेस से गठबंधन है या टीएमसी से? सर आप तो टीएमसी को डिफेंड कर रहे हैं ना? कर रहा हूँ। अरे साहब आप तो टीएमसी को डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, क्या गारंटी है? अरे ये तो शाकिर अली साहब नहीं कह पा रहे क्योंकि उनको पता है कि टीएमसी के गुंडे थे। अरे आप खड़े कहाँ हैं साहब, तय तो कर लीजिए। राहुल लाल आप किस पार्टी के प्रवक्ता बनकर अपना जवाब दे रहे हैं? मैं सत्य के पास खड़ा हूँ। मैं लक्ष्मी कहाँ सत्य है, मतलब आप लेफ्ट के पास सत्य नहीं देख रहे हैं? लगा अनावश्यक आप लेफ्ट के पास सत्य नहीं देख पा रहे ना सर, इसीलिए आप टीएमसी की वकालत करने के लिए आए। शाकिर साहब है सच है वो बता रहा हूँ, तो करिए भटकिए मत। आपने पहले भी सवाल पूछा सौरभ सिग्नल जी से कि क्या स्थितियां, वो उसका जवाब नहीं दे पाया। मैं अभी जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जान बुझ के बीजेपी का प्लान क्या था कि मुस्लिम वोटर्स को खिसकाना, कहाँ पे खिसकाना? मुस्लिम वोटर्स को ये लोग देना चाह रहे थे और वैसे मजबूर के हाथ में देना चाह रहे थे। उस पूरे गठबंधन को जो प्लान बी, यानी कि जो अपना बीजेपी की जो बी टीम है, अब्बास सिद्दीकी तो वैसे के साथ जा रहे हैं। नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, वो ओवैसी के साथ कहाँ जा रहे हैं? मैं लौट रही हूँ अभिषेक, इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। अभिषेक क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से शारदा घोटाले मामले में बड़ी टीएमसी की मुश्किलें। टीएमसी नेता कुणाल घोष को ईडी ने भेजा है नोटिस। टीएमसी नेता को पूछताछ के लिए कल बुलाया है। जांच में ईडी को पूरा सहयोग करूंगा, कुणाल घोष ने यह बात कही है। ईडी के सामने कल पेश होऊंगा कुणाल घोष। मतलब देखिए, ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा है वो धीरे धीरे कसता जा रहा है और यहां पर लगातार ये आरोप लग रहा है टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी जानबूझकर इस समय ईडी और सीबीआई को टीएमसी के नेताओं के पीछे लगाई हुई है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आज से पिछले एक साल से ये जांच चल रहा है और ये सिर्फ बंगाल में नहीं है, तमाम और चार राज्यों में छापेमारी चल रही थी। बंगाल भी उसमें एक था, आसन सोल से लेके तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही थी, जिसके साथ अब अभिषेक बनर्जी के अलावा कुणाल घोष तक सीबीआई पहुंची है। जो लोग भी इस तरीके के घोटाले में शामिल हैं, अब सीबीआई और ईडी लगातार उनकी जांच करते हुए वहां तक पहुंच रही है। तो अगर ये कोई कहे कि सीबीआई और ईडी का गलत फायदा उठा रही है केंद्र सरकार या भाजपा, तो ये एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और ये तो इस वक्त होगी क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। टाइमिंग को सीबीआई से टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है, जांच तो अपना काम एक दायरे में करता है और जांच की अपनी एक टाइमिंग होती है, एक सीमा होती है, चाहे वो चुनाव का माहौल हो या गैर चुनाव का माहौल हो लक्ष्मी। लेकिन अगर इस वक्त चुनाव के दौरान श्वेता एक और कोयला घोटाले में आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी की पत्नी को नोटिस दिया गया था और सीबीआई की तरफ से जांच पड़ताल भी की गई थी, पूछताछ की गई थी। अब जो है एक और शारदा घोटाले में मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक और सियासी रणनीति में फोकस, दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार के जब मामले खुलते हैं तो जनता जवाब वोट के जरिए भी देती है। बिल्कुल लक्ष्मी, यही तो वजह है, यही वजह है कि हम ये बता रहे हैं कि रणनीति बदलनी पड़ी है। लगातार आरोप लग रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले हो, वो टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी के लीडर, टीएमसी के नेता विधायक इसमें संलिप्त पाए गए हैं। वजह यही है कि इस बार टीएमसी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है क्योंकि टीएमसी भी ये जान रही है कि जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में है। और अगर टीएमसी ने इस बार अपनी रणनीति नहीं बदली, उन्हीं सिटिंग एमएलए को अगर टिकट वापस से दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी जिस परिवर्तन की बात कर रही है, जिस तरीके से 200 पार की बात कर है, वो कहीं हकीकत ना हो, टीएमसी को अब इसका डर सताने लगा। शारदा घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, तमाम घोटाले हो, खुद नाम उछले हैं। जिस तरीके से बुआ के भतीजे का नाम सामने आया है, उनकी बीवी तक ये बातचीत पहुंच चुकी है और उनकी साली तक भी बात गई है, यानी पूछताछ हुई है। हालांकि बार बार यही टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सहयोग कर रहे हैं, हम कानून के साथ हैं, लेकिन समझना होगा लक्ष्मी कि बार बार ये भ्रष्टाचार के तमाम मामले में आपके ही लोग फंसे हुए क्यों नजर आते हैं। यही वजह है कि टीएमसी को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता मूड बना चुकी है कि अगर उनके पास ऑप्शन है तो क्यों ना वो बदलाव करें। और अब टीएमसी सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा चुनौती का फैक्टर ममता बनर्जी के आगे वो अब्बास सिद्दीकी, जो कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि कुछ भी करना पड़े लेकिन ममता को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। जाहिर है
कि ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, जो कि चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही हैं। विशाल मिश्रा जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासत को आप पिछले दफा से अब तक देखें तो एक बात समझ आती है, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे लेफ्ट, चाहे ओबीसी, चाहे अब्बास, 30% मुस्लिम वोट बैंक को कैसे गुणा भाग लगाना है इस बात पर पूरा जोर रहता है। लेकिन हाशिए पर जा चुके 70% पर अगर बीजेपी कहती है, बात करती है, तो कहा जाता है कि सांप्रदायिक वोटों की बात होती है। कैसे 30 पर फोकस है तो नहीं, 70 पर फोकस है तो कैसे नहीं? आप ये बताइए कि ये केवल पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है, यह जो पिछले 60-70 सालों का अपना इतिहास है स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, तो हर सरकारों ने की जो है पूरी कोशिश यही रही है कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम के वोटों को साधा जाए, और इसीलिए यहां पर तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने यही एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया कि नहीं, हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही नहीं, हमारे लिए पूरा देश एक समान है। तभी तो पीएम जी ने हमारे नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एकात मानववाद के सिद्धांत को लेकर चलती है कि समाज के सबसे निचले सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को भी समाज विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। ये देखिए, ये चश्मा आप लोग लगाते हैं, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये चश्मा आप लगा और आप जैसे लोग ही तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए जहां पर मुस्लिमों को बायकॉट किया गया हो, विकास की नीति से अलग रखा गया हो। मुझे एक योजना का नाम बता दीजिए उस योजना में मुस्लिमों को अलग रखा गया हो। अरे उतारिए ये चश्मा, क्या आप अपने नेताओं की तरह सतही बातें करते हैं? आप फर्जी राष्ट्रवाद, कोई फर्जी नहीं होता है। आज ममता जी को अपने घर में पूजा करनी पड़ती है, आज उनको 70% लोगों की तरफ देखने को मजबूर होना पड़ता है, आज वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, आज वहाँ पर हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान किया जाना शुरू होता है। अरे किसने कहा था श्री राम के नारे पर, किसकी पार्टी और किसके लोगों ने कहा था चमड़ी उतार देंगे? बताइए राहुल, आप भी तो उसी वोट बैंक के सहारे नैया आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना? अब्बास सिद्दीकी के सहारे ही आप नैया डुबाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, जिस पर ममता बनर्जी अब तक अपना हक दबाती रही। एक सेकंड सर, 34-35 साल तक सत्ता रही अलग पार्टी की, कितना वहां के मुसलमानों के लिए आपने किया? अगर किया होता तो उखाड़ के नहीं फेंकते आपको? यही ममता बनर्जी है, किसी मुद्दे पर आपको घेरा था, वही ममता बनर्जी, आप उसी पर चिन्ह पर चल रहे हैं। जनता परिवर्तन होगा, इस बार राहुल इसीलिए पड़ रही है ना सर, पूरे बंगाल का परिवर्तन होगा, बंगाल का भज लोग आपको परिवर्तन का पाठ पढ़ाएगा। शाकिर अली, वहाँ पर राजनीतिक हिंसा नहीं होगी जी नहीं। अरे बांग्लादेशियों को बुलाकर उनको उनका शाकिर अली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर याद आ गए आपको? इस्लाम, चलिए आपको याद तो याद आ गए, अच्छी बात है सर, हमारे चेहरे से नाम तो आया, मुझसे आपके हमारे राष्ट्रपुरुष याद तो आए कम से कम। यही भारतीय जनता पार्टी ने कंपेयर कर दिया है कि आप सांस्कृतिक पति को हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपमान की भावना को त्यागना होगा, समाज में उन लोगों को स्थान देना होगा जो उनका है। यही भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म दिया। क्या बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की कहानियों को सौरभ सिकदार जी, एक सेकंड सौरभ सिकदार जी, दीप का राज, सौरभ सिकदार जी बोलो ना, सौरभ सिकदार जी विचारधारा लेके हम लोग चलेंगे। एक सेकंड, मैं लौट आई हूँ, शाकिर अली साहब मैं लौट आई हूँ। सौरभ सिकदार जी, क्या आपको अब लग रहा है ममता बनर्जी की जो छटपटाहट अब सामने आ रही है, 30% वोट बैंक जिसको वो लगातार ये कहती थी कि नहीं ये मेरा पूरा है, ये उनकी ठेकेदारी थी, उन पर कहा जाता है कि पूरी तरीके से वो उसी के भरोसे होती थी, आज जब वो छटक रहा है तो हर प्रपंच आजमाने की पूरी कोशिश हो रही है। देखिए, मुस्लिम को वोट बैंक के रूप से यूज करने का जो जवाब ममता बनर्जी को मिलेगा, मिलने जाने वाले है, ये ममता बनर्जी को पता है। राहुल जी एक सेकंड, आपका प्लान, एक सेकंड, शाकिर अली जी को, मुस्लिम जो है
मुस्लिम भी इसी देश का नागरिक है, मुस्लिम भी इसी बांग्ला का नागरिक है, और विकास जब होता है तो मुस्लिम के लिए तो बाजी करते हैं, मुसलमानों के लिए करते हैं। तो आपको आपके दूध देने वाले गाय बंद के बस्ता है, जिन्हें अफगान मुस्लिम लोगों को किया है, इसका जवाब ममता बनर्जी जी को मिलने जा रहा है। और ममता बनर्जी इसीलिए घटना के लिए शामिल नहीं हो सकते। आप दो तरह की बात करते हैं सौरभ भाई, सौरभ जी गाड़ी आपकी फंस चुकी है, ये आपकी बौखलाहट नजर आ रही है कि आप लोग जो प्लान बना रहे थे पश्चिम बंगाल के लिए वो प्लान आपका विफल हो चुका है। राहुल लाल एक सेकंड, आपने एक बात तो तय कर दी कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक आप ये तय नहीं कर पाए कि आप विपक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं, सत्ता में 10 साल से टीएमसी है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं ये तो बताइए कम से कम, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं आप? मुख्य चीज तो जो देश के संवैधानिक संस्थाओं का जो लोग, अरे सर वहाँ संविधान की संवैधानिक संस्थाओं का अगर दुरुपयोग कोई कर रहा है वहाँ तो ममता बनर्जी कर रही है, जिसकी सरकार है वो कर रही है, क्या कर रहे थे ये? अरे आपका गठबंधन किसके खिलाफ है ये तो बताइए, आप तो राजनीति राष्ट्रपति शासन लगाने के मास्टरी है, इन लोगों को प्राप्त है। ये सब कहाँ लग गया सर, कहाँ लग गया हो और अभी बात कर रहे महापुरुषों के सम्मान में, भाग रहे हैं मेरा बात से। राहुल लाल सवाल का जवाब भाग्य बात मेरा सवाल का जवाब है कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं वहाँ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं या सरकार के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है? अरे कौन कर रहा है बताइए, सही कम से कम दीजिए, लोकतंत्र बचे, पहले अपने पार्टी का लोकतंत्र बचा लीजिए मानवर, यहाँ पे G20 की बन रहे हैं, अपने पार्टी के लोकतंत्र को बचाइए, आपकी पार्टी ने लोकतंत्र का सबसे ज्यादा बड़ा घोटा है। पश्चिम बंगाल में जो सपना पाल के रखे हुए वो कहीं से पूरा नहीं होगा, आप अपने को देखिए ना, 3 महीने 13 में आप क्या बात करते हैं, मैं कर रहा हूँ सौरभ सिकदर जी एक बड़ा भरोसा है, चूंकि ये तो कह रहे कि सिर्फ आपके खिलाफ ही लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी की किसी भी नीतियों का, किसी भी अत्याचार का, किसी भी हिंसा का, रक्तरंजित राजनीति का मुंह पर टेप लगाकर विरोध करती है टीएमसी के बाद, चाहे लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि ये सब पर्दे के पीछे टेप लगाकर विरोध होता है, पर्दे के पीछे एक है, आज यहाँ बैठ कर भी इस बात को नहीं कह पा रहे, एक होने वाली बात नहीं है, बीजेपी अगर इस तरह का व्यवहार करती है, लक्ष्मी जी बोलने का मौका दीजिए, बनर्जी साहब आ रहे हो, सरकार बनाने के जगह में हम खड़े हुए हैं, इसका कारण एक सेकंड सर, आपके सहयोगी हैं उनको भी बोलने दीजिए, इतना भी मत उनका समय लीजिए, बनर्जी साहब बोलिए, आप कहेंगे समय नहीं दे रहे सर, आपका ही साथी आपको नहीं बोलने दे रहे हैं, आपका समय यही लिए जा रहे हैं, वो बात सही है, मुझे पता है, आपको पता है, मैं मुंह खोलूंगा तीनों पर भारी पड़ूंगा, बोले आप राहुल लाल के पास जा रहे हैं, आपको भली भांति पता है, बात ये है कि ममता बनर्जी के शारदा नारदा के खिलाफ कोर्ट में गया था कौन, कांग्रेस वाले, नारदा केस के खिलाफ कौन गया था, कांग्रेस गया था, तो आप ये अगर कहेंगे हम खिलाफत नहीं कहेंगे, ये गलत नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन आप तो ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जो आज तक विरोध नहीं कर पाई टीएमसी, तो यहाँ टीएमसी का विरोध लेफ्ट नहीं कर पा रही है, हमारा गठबंधन का पहला और आखिरी शर्त है धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र, ये आपके हर जगह पे लेफ्ट के साथ हम इसी बात पे जा रहे हैं, और मिश्रा जी एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन आप बात साहब से तो धर्म के आधार पर ही गठबंधन कर रहे हैं ना सर, लेफ्ट धर्मनिरपेक्षता की आप बात कर रहे हैं और आपका ही गठबंधन की पार्टी धर्म के आधार पर गठबंधन कर रही है, ये कौन सी सियासत चल रहे हैं आप? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताइए लेफ्ट का प्रॉब्लम है, हमारा लेफ्ट के साथ गठबंधन है, नेट के साथ गठबंधन है, नेट किसके साथ, ये कैसा रिश्ता है सर, ये क्या रिश्ता कहलाता है, आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आपस में, जाएगा वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, देखिए कांग्रेस कह रही है कि वो लेफ्ट का मामला है, लेफ्ट कह रही है कि नहीं हमारे साथ कांग्रेस है, अभी तक ये तक तय नहीं हो पाया कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस भी साथ में है या नहीं है, आपस में कितना बटा हुआ है ये गठबंधन, ये भी समझना होगा, ममता बनर्जी के खिलाफ अब्बास जो इस बार आवाज उठा रहे हैं वो ममता बनर्जी को बहुत बेचैन कर रही है, इसी मसले पर 10 मिनट बाद जी हिंदुस्तान के फेसबुक लाइव पेज पर आपके साथ जुड़ूंगी, संक्रांत में फिलहाल इतना ही, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।